गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 17 वत्सवः। ये पाठ 17 का दूसरा भाग है। पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो दूसरा पद्यांश है। करते हैं नित्य मन में देखो ये मोर सारे, मेरा लुभा रहे हैं गाकर सुधी प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमी छा रहा है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस के सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भरती है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत को शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पद्यांश का संदर्भ भी कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो मुकुटधर पांडे द्वारा लिखी वर्षा बहार से दिया गया है। और इसके प्रसंग है कि इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु की जो अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से जो मोर है वह प्रसन्नता के कारण नाचने लगा है। मेघा ट्रैक्टर की आवाज की गीत गा रही है। देखो बरसात के समय में मेढकों की आवाज आती है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मेढक है वो टटर की आवाज करके गीत गा रही है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब सुगंध देना। तो एक जो फूल है गुलाब का फूल है वह अपना सुगंध चारों ओर बिखेर रहा है। तभी पूरे बगीचों में सुख आनंदी और शांति का छाया हुआ है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। जिस प्रकार हंसों की कतार बादल में उड़ते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो सुबह का समय होता है या जब बादल छाए हुए होते हैं या संध्या का समय जब होता है तो पक्षी लोग एक कतार में उड़ते हैं। उसी को कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस या पक्षी एक कतार में उड़ते हैं उसी प्रकार बादल भी छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में जो किसान है वह इतने सुंदर गीत गा रहे हैं जिससे मन को हर लेते हैं। मन को हर लेना मतलब मन को जीत देना या मन को प्रसन्नता मिलना। इस भारती है अनोखी वर्षा बहार भू पर, कवि कह रहे हैं कि इस वर्ष वर्षा इतना अनोखा इतना सुंदर धरती पर आया हुआ है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कवि कहते हैं कि इस वर्षा के कारण ही सारा संसार इस वर्षा ऋतु पर आश्रित रहता है। तो ये पाठ आपका पूर्ण होता है। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।